हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरएस के आपका मेरे चैनल राइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु में खेला गया दूसरा T20 मैच का। इस मैच में चौके और छक्के का बरसात हुआ, दोनों पारियों मिलाकर 27 चौके और 22 छक्के लगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल राइजिंग इंडिया को और बेल आइकन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। भारत ने 3 बदलाव किए, रोहित शर्मा, मयंक मार्कंडे और उमेश यादव की जगह शिखर धवन, विजय शंकर और सिद्धार्थ कौल को अंतिम एकदशा में शामिल किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच के लिए अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की। पारी का आगाज करने आए लोकेश राहुल और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की। धवन की तुलना में राहुल ने तेजी से रन बटोरे। राहुल अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर का 6ठे अर्धशतक से चूक गए। लोकेश राहुल 26 गेंदों की पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाकर 47 रन बनाकर कुटल नायल का शिकार बने। भारत को दूसरा झटका सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के तौर पर लगा। वह 24 गेंदों में महज 14 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिए। उनका विकेट 70 रन के कुल स्कोर पर गिरा। धवन ने बेरन ड्रोफ की गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर मारने का प्रयास किया, मगर स्टोनिस के हाथों कैच लपका गया। यह कैच विवादास्पद रहा। हालांकि अंत में थर्ड अंपायर ने फैसला ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में दिया और धवन को मैदान से बाहर जाना पड़ा। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विकेटकीपर पंत ने अपना विकेट सस्ते में गंवा दिया। वह 6 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंत को 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर डीआरसी शॉट ने आउट किया। पंत पहले T20 में भी टिककर बल्लेबाजी करने में नाकाम रहे थे और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद अब क्रीज पर धोनी आए। विराट कोहली और धोनी ने मोर्चा संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 100 रनों की अहम साझेदारी कर टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। कोहली ने 29 गेंदों में अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 20वां अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली 38 गेंदों की पारी में 2 चौके और 6 छक्के की मदद से 72 रन बनाए। वहीं धोनी 23 गेंदों की पारी में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 40 रन बनाए। भारत को चौथा विकेट धोनी के तौर पर 174 रनों के कुल स्कोर पर लगा। धोनी को पैट कमिंस ने एरोन फिंच के हाथों कैच कराकर आउट किया। धोनी के आउट होने के बाद अब क्रीज पर दिनेश कार्तिक आए। दिनेश कार्तिक 3 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाए। भारत ने आखिरी 10 ओवरों में 117 रन बनाए। भारत की ओर से सर्वाधिक 72 रनों की पारी विराट कोहली ने खेला। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए कुटल नायर, पैट कमिंस, जेसन और डीआरसी शॉट ने एक एक विकेट झटके। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम का शुरुआत निराशाजनक रहा। मेजबान टीम ने अपने 2 विकेट महज 22 रनों के कुल स्कोर पर गंवा दिया। स्टोनिस 7 और एरोन फिंच 8 रन बनाकर जल्द पवेलियन लौट गए। स्टोनिस को सिद्धार्थ कौल ने बोल्ड कर पवेलियन भेजा। वहीं एरोन फिंच को विजय शंकर ने धवन के हाथों कैच कराकर आउट किया। इसके बाद मैक्सवेल ने मोर्चा संभाला और टीम को जिताकर ही दम लिया। मैक्सवेल ने 2 अहम पार्टनरशिप की। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए डीआरसी शॉट के साथ 73 रनों की साझेदारी की। वहीं तीसरे विकेट के लिए पीटर के साथ 99 रनों की विजय पार्टनरशिप की। मैक्सवेल ने 55 गेंदों में 7 चौके और 9 छक्के की मदद से लाजवाब 113 रनों की पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 3रा शतक पूरा किया। वहीं पीटर 18 गेंदों की पारी में 1 चौके की मदद से 29 रन बनाए। भारत की ओर से विजय शंकर ने 2 और सिद्धार्थ कौल ने 1 विकेट झटका। मैक्सवेल के 113 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 मुकाबला अपने नाम दर्ज कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीतकर 11 साल बाद इतिहास रचा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 11 साल बाद भारत के खिलाफ कोई T20 सीरीज जीती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ आखिरी बार 2007 में T20 सीरीज जीती थी। वो 1 T20 मैच की सीरीज थी और उस समय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी। इस मैच के हीरो मैक्सवेल को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।